जो हाईवे है यही हाईवे था। और जो लोग फोटोग्राफ खिंचवाने के शौकीन है उनके लिए तो ये बेस्ट जगह यार। कच्चे में हमारा बंदा कोई आदमी हो जाता है। और यहाँ कैसे होती है? सो गाइस दरगाह का काम हो गया और काफ़ी सुकून वाली जगह है। ऊपर हम बैठे थोड़ी देर, अब चलना है। जैसे कि एक जगह रुक नहीं सकता मुसाफिर, हम हैं मुसाफिर ट्रैवलर, हम जाना है अभी दूसरी जगह, तो निकल पड़े हैं। अब अगले डेस्टिनेशन पे आपको दिखाते हैं, एक और टेंपल है बहुत खूबसूरत, बहुत ऐतिहासिक हेरिटेज, वहाँ चल रहे हैं। गाइज वेलकम अगेन टू माई नेक्स्ट व्लॉग। जैसे कि आपको पता था हम निकले थे सुबह पहलगांव से, पहलगांव से निकले थे बीच में दरगाह के लिए। दरगाह हम गए, दरगाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छे आराम से हमारे वहाँ पे दर्शन वर्शन हुए, चादर मैंने चढ़ा ली थी। उसके बाद हमने बीच में एक अवंतीपुर जगह पड़ती है जहाँ पे बहुत ही पुराना ऐतिहासिक टेम्पल है, लगभग 800वीं सदी में बना था। तो मैं आपको बताऊँगा उसके बारे में। फिलहाल हम पहुँच गए अवंतीपुर। ये आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप पहलगांव से श्रीनगर जा रहे हो या श्रीनगर से पहलगांव जा रहे हो, दो रास्ते हैं, इन बिटवीन से एक रास्ता पहले कट जाता है एक विलेज से जहां से आपको शॉर्ट पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूं। और दूसरा रास्ता अगर आप दरगाह की तरफ से जा रहे हो तो वो रास्ता पड़ता है, वो रास्ता थोड़ा सा लेंथी पड़ता है पर वो रास्ता ज़्यादा साफ़ है, मैं आपको यही बता दूँ। और जो पहला रास्ता कटता है वो रास्ते में आपको सेब के बगीचे मिलेंगे। अगर आप किसी यहाँ के लोकल के साथ हो तो आपको डेफिनेटली उसी रास्ते लेके जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ से सेब के बगीचे मिलेंगे जहाँ पे आप परचेजिंग वगैरह कर सकते हो। तो मैं बात कर रहा था अवंतीपुर की, और अवंतीपुर जिस टेंपल की बात कर रहे थे वो उस टेंपल के सामने मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ से श्रीनगर अराउंड 35 किलोमीटर रह जाता है हाल फिलहाल। अभी चलते हैं अंदर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर देना, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो भैया लाइक भी बनता है और बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियो ट्रैवल रिलेटेड हम डालते रहते हैं। और भैया सपोर्ट वोट कर दिया करो। पीछे व्यू बहुत अच्छा है, एक रिवर का क्या नाम है, झेलम नदी है, काफ़ी बड़ी नदी है। फिशिंग कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं ना? हाँ मछली पकड़ते हैं, रेत भी चढ़ाते हैं उसमें, रेत भी चढ़ाते हैं, रेत लेके जा रहे हैं। बात और बताना भूल गया आपको, पहले क्या था, लास्ट टाइम मैं जब आया था कश्मीर तब ये जो हाईवे है यही हाईवे था। हाल फिलहाल क्या है कि हम बाहर वाले हाईवे से गए थे, तो मैं वही सोच रहा था मुझे टेम्पल दिखा क्यों नहीं, तो गूगल देखा, गूगल सर्च करा तो देखा हम हाईवे से हमें अंदर कटना पड़ा है। तो अंदर सिटी के अंदर ये टेम्पल है जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, अभी चल रहे हैं अंदर लेके। तो बेसिकली बताना ये था कि ये हाईवे से कट के अंदर है, तो भी इसकी हिस्ट्री और डिटेल अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। 25 रुपए की टिकट है यहाँ पे, तो देना दो टिकट। इसका इतिहास इतना पुराना कि आपको क्या बताऊँ, 882 में ये जो अगर कुछ लोग कह रहे हैं राजा का वो है, कुछ कह रहे हैं टेम्पल है, जो भी है इतना खूबसूरत है, बीचों बीच ये विलेज के अंदर बना हुआ है। ये एक विलेज है अवंतीपुर और उसी के अंदर बना हुआ, और इसी के नाम से ये है सारा। आसपास देखोगे अब घर बन चुके हैं, पर ये जो पीछे आप जो हेरिटेज साइट देख रहे हो, एक नंबर, मतलब बहुत खूबसूरत है। और आसपास सारे लोगों के घर बन चुके हैं, लोग रहते हैं आसपास, लोग जिनको नहीं पता वो नहीं आते, और जिनको पता भैया रुकते हैं। तो मैंने आपको बताना बनता था भैया कि डेफिनेटली अगर आप इधर आ रहे हो तो यहाँ ज़रूर आइए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन है। इसके दो टेम्पल हैं, मतलब दो इस तरह से बने हुए हैं, एक ये बना हुआ है, एक इससे पहले एक और बना हुआ है, वो छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है। चलो लेके चलता हूँ आपको अंदर। ये इसकी डिटेल है, टेम्पल बिल्ड बाय अवंतीरम किंग था जो यहाँ का, उन्होंने इसको बिल्ड कराया था। और उस दौरान जब बिल्ड हुआ था उसके बाद अब राजा तो नहीं रहा, पर उसके जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह की है, आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी। और यहाँ लोगों के लिए बैठने के लिए बना रखा है, गार्डन टाइप बना रखा है, कुछ लोग आते हैं इंजॉय करते हैं, टाइम पास करते हैं, बढ़िया। अगर आप देखोगे इसके ऊपर ना बहुत सारी खूबसूरत निकाशी हो रखी है, भगवानों की मूर्तियाँ बनी हुई है, बहुत ही पुराना है, मतलब ये समझ लो भी 2100 चल रहा है, तो
855 में ये बनना स्टार्ट हुआ था, तो लगभग 1300 साल पुराना ये टेंपल या महल जो भी कह सकते हो, ये बहुत ही खूबसूरत है अंदर तक। और बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा है। आपको दिखाता हूँ इसकी निकासी कितनी खूबसूरत है, जो कि हल्की हल्की धुंधली है, थोड़ा सा पत्थर के ऊपर से थोड़ा मिट चुकी हैं चीज़ें, पर फिर भी आपको नज़र आ जाएगा। तो आप देखो यार क्या खूबसूरती इन्होंने बयां कर रखी है। कह रहे हैं 855 में बनाया है, उस टाइम पे ये कारीगरी करी गई है और ये कारीगरी अभी तक बरकरार है। हल्का 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 अगर इसको मेंटेन किया होता जैसे दूसरे मंदिर को और चीज़ों को करा है तो शायद ये अभी तक बरकरार होता, पर ये मतलब जो चीज़ें जिस तरह से खड़ी हैं ये बिल्कुल नेचुरल है। आप देखो जिस तरह से, ये देखो कितना खूबसूरत कलाकारी नज़र आ रही है, मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये जो ब्यूटी है बहुत ही प्यारी है यहाँ की, मज़े आ रहे यार, एक अलग ही फीलिंग है। और जो लोग फोटोग्राफ खिंचवाने के शौकीन हैं उनके लिए तो ये बेस्ट जगह है यार, बहुत बढ़िया। इंस्टाग्राम फोटो, फेसबुक फोटो और फोटो 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 हमारे चंदन भैया की तरह, तो उनके लिए तो ये बेस्ट जगह है भैया। एक दो फोटो हम भी खिंचवा लेते हैं। 30-35 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है श्रीनगर से जब आप पहलगाम की तरफ जाते हैं, और आपको हाईवे से अंदर आना पड़ेगा, दोबारा बता रहा हूँ। तो 25 रुपये की टिकट है और बस चलते हैं। थोड़ा इतिहास था इसका जो आपसे शेयर कर दिया है, अब आगे चलते हैं, आपको श्रीनगर में डल लेक के नज़ारे दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत मंदिर है, कोशिश करिएगा यहाँ आने की। फिलहाल चलते हैं क्योंकि हमारा सफ़र काफ़ी लंबा है, बहुत कुछ करना है, अभी बहुत सारी जगहों जाना है तो आपको भी दिखाना है। 30 रुपये पार्किंग है यहाँ पे, और वो केला लेने गया, केला खा लें यार, भूख सी लग रही है। दूसरे टेंपल की जो बात कर रहे थे ना, वो ये वाला है पीछे, वो देखो। तो फिलहाल हम चल रहे सीधा निकल रहे हैं, सेम वैसा ही है, ये भी उतना टाइम पुराना है। तो गाइस फाइनली पहुंच गए श्रीनगर, और लास्ट टाइम जब आए थे तो रात को 8 बजे अंधेरा हुआ था, और अभी 6 बजे है, और हम सोच रहे थे कि हम डल लेक में शिकारा राइड कर लेंगे, 2 घंटे बहुत होते हैं, पर अंधेरा हो गया तो यार शिकारा राइड कर नहीं पाएंगे, फिलहाल भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। सो भाई लोग किस्मत ख़राब है क्योंकि बारिश हो गई इतनी तगड़ी वाली, अभी बैठे हैं, फाइनल नहीं हुआ एक्चुअली, रूम ही देखने आए थे और चंद्र बाबू को वहीं छोड़ गया हूँ, और यहाँ बारिश हो गई है तेज, अब समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए क्या ना किया जाए। सो गाइस हम क्या हुआ, अरे पहले देख तो ले रूम, बात तो कर ले। तो बात कर रहा था भैया, हम सोच रहे थे आज शिकारा राइड करेंगे, जो आज मौसम हुआ है आपके सामने बहुत बुरे हाल हो गए, बारिश वारिश में पूरा भीग गए, और मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई। मेरे को एक ट्रैफिक वाले ने कहा भैया बाइक हटाओ, बाइक हटाने चक्कर मैंने बाइक पीछे करी, मेरे जो लॉन्ग शूज थे वो हो गए पत्थर पर लगे, और पीछे का सोल पूरा उतर गया, ये भी मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई। तो भैया पूरा मौसम ने मज़ा ख़राब कर दिया, शाम ख़राब कर दी हमारी, और फिर हमने डिसाइड करा चलो अब देखते हैं, अभी होटल फाइनल कर रहे हैं और सुबह निकलेंगे गुलमर्ग के लिए, पर फिलहाल देखने आए होटल, उम्मीद करता हूँ रूम ठीक ठाक लगे, फिर बात करते हैं। तो चलो अंदर लेके चलता हूँ, रूम देखते हैं। सो गाइस फाइनली हमने रूम फाइनल कर दिया है, रूम विजिट क्या कर रहा हूँ, सिंपल कच्चे में हमारा बंदा का आदि हो जाता है। तो ये रूम है ठीक ठाक रूम, एक्चुअली क्या था कि हमने पहले ऑनलाइन देखा था और ठीक लगा हमें, तो हमने सोचा पहले पर्सनली विजिट कर लेते क्योंकि स्कूटी होने का फायदा तो होना चाहिए, तो हम पर्सनली आ गए और ऑलमोस्ट सेम प्राइस में मिल गया, और ठीक है रूम है भाई, रूम ठीक है, तो रूम ठीक है फिलहाल। तो कल मॉर्निंग में निकलेंगे गुलमर्ग के लिए और सामान अपना रख जाएंगे यहाँ पे, और वापसी आके फिर देखेंगे ये रूम लेना या कोई और लेना, जो भी एक्साइटेड देखेंगे तब कदम। हाल फिलहाल ये है कि हम रूम में पहुंच गए हैं, चंदन भैया कच्चे में घूम रहे हैं और बहुत खुश लग रहे हैं, भूख लग रही है, अब देखते हैं कुछ ऑर्डर करना है या बाहर जाना है, जैसे भी है क्योंकि थोड़ा काम वाम भी करना है, थोड़ा सा वो करते हैं, टाइम हो गया ऑलमोस्ट 8:30 हो गए हैं, तो देखते हैं यार खाने का देख क्या क्या मेन्यू में। तो होटल ठीक है, EL क्लासिक करके ओयो के साथ बिन का टाई अप है, तो कहने मतलब ये कि होटल में चेक इन कर लिया है, अपने असली औकात में आ गए और काम वाम करने लग गए, वो देखो अपने औकात में, मैं भी अपने औकात में हूँ। सो अभी निकल रहे हैं यार खाने के लिए, देखते हैं क्या है, चलो फिलहाल चल रहे हैं बाहर, वो कहते हैं गार्डन बहुत अच्छा है यहाँ का, अंधेरा बहुत आ रहा है, बाद में बात करते हैं। आज हुई है बारिश जिसके कारण कल तो मैं पहलगाम में संडो में घूम रहा था, और यहाँ पे टी शर्ट में आज ठंड लग रही है, तो मौसम बढ़िया है, मौसम बढ़िया है। पिज्जा 2 रेस्टोरेंट अपोजिट
डल लेक और आगे निशांत गार्डन है, हाउस बोट्स वगैरह उधर है, तो हमारा होटल इधर बैक साइड में पीछे की तरफ है, वहाँ से और आगे आ गए हैं। और ये पूरी मार्केट है, मुगल गार्डन के सामने ये मार्केट है, ऑलमोस्ट बंद होने वाली है, सीमेंट ही है। और देख रहे हैं कुछ खाने के लिए यार, एक्चुअल में नहीं नहीं लाइव नहीं है हमारा, ये तो चैनल है उसके लिए हम वीडियो शूट कर रहा है, नहीं नहीं हम इसी को लेंगे, ये बंदा हमारे लिए लड़ाई कर रहा है, ये बंदा है परसों शादी है, अरे कौन सी शादी है, तो फिलहाल देख रहे हैं यार खाने का क्या ऑप्शन है, सब सिमट गया है। यार एक चीज बताओ, हम पहलगाम में थे कल, वहाँ तो साला 11:30 बजे तक रात को सब खुला हुआ था, तो यहाँ समेट दिया तुम, 11 बजे गलत है, है भाई। हाँ भाई बताओ, जो जो देखते हो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कौन सा चैनल है भाई, लोग देखो इनकी शॉप है यहाँ पे, चॉप्स एंड पॉप, और ये तुम हो या हमारी, ये हम है, ये तुम और ये वो है, यहाँ कैसे होती है, तो भैया पार्टी हो रही है, ये भाई का रेस्टोरेंट है वैसे ये वाला, हम तो मतलब आए थे रात को आए थे, अब खाना खाने देखते हैं क्या चूज करा जाए, और बस थोड़ा सा माहौल बन गया, बातचीत कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या खाया जाए, तो हमने दोबारा चिकन बिरयानी ऑर्डर कर दिया, बाकी चीज़ समझ नहीं आ रही कुछ, मतलब फास्ट फूड खाने का मन था पर मुझे डाउट हो रहा था कि पता नहीं कैसा है, मतलब है जू ले ले, तो बस एक कोल्ड ड्रिंक और दो हाफ हाफ प्लेट बिरयानी ले रहे हैं और खा के चलते हैं, वैसे अच्छा माहौल है यहाँ पे, और बाहर आने का भैया कोरोना का एक आइडिया नहीं रहता है कि भैया कोरोना भी है, मास्क हाँ लगाना ज़रूरी है और यहाँ लगाते भी हैं फाइन है वरना, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कोरोना का पता नहीं चलता। और जो रूम हमने लिया है वो लिया है हमने 800 रुपये पर नाइट, और फिलहाल एक नाइट के लिए हम यहाँ स्टे करेंगे, कल पैकेज जमा करा के निकल जाएंगे गुलमर्ग के लिए, और उसके बाद वापसी आएंगे, देखेंगे वो वाला होटल लेना कौन सा लेना, 800 रुपये में सही डील मिल गई, पहले हमने ऑनलाइन देखा, मैंने ऑनलाइन में अच्छा लग रहा था, पर मैं कई बार कई लोगों ने वहम डाल रखा जो ऑनलाइन होता वो नहीं होता, तो मैं चलो पर्सनली विजिट जाके देख लेते हैं, तो पर्सनली जाके देखा तो समझ आया तो हमने ले लिया फिर फाइनली। तो बस अभी खाने आए हैं, रात के ऑलमोस्ट 10:30 हो चुके हैं, फटाफट यहाँ से खा के निकलेंगे और अपना व्लॉग आएगा, तो जब तक तो ये वीडियो आएगी तब तक व्लॉग सारे आ चुके होंगे, पर फिर भी व्लॉग आएगा तो भैया व्लॉग के लिए एडिट एडिट करना है, काम वाम करना है, तो मेहनत होती है भैया, सारा दिन पहले घूमो शूट करो फिर एडिट करो फिर इंटरनेट ढूंढो फिर अपलोड करो फिर पब्लिक को बोलो भैया सब्सक्राइब कर दो भैया, भैया सब्सक्राइब कर दो भैया, तो समझो यार हम भी वही लोग हैं जो बेचारे रोड पे खड़े हो गए थे ना, 10 रुपये रिक्शे वाला 5-5 रुपये सवारी 10-10 रुपये हमारे वही हाल है भाई, तो सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, थोड़ा ख्याल कर लिया करो, शक्ल सूरत पे मत जाया करो, मेहनत उतनी ही होती है, मेहनत पूरी है, तो भाई थोड़ा ख्याल रख लिया करो, सब्सक्राइब कर दो, और नए हो तो भैया बेल आइकन भी दबा लेना और शेयर कर दोगे तो और भी बढ़िया है, कश्मीर घूमना चाहते हैं जो लोग उनके लिए, तो अभी के लिए इतना ही हाल फिलहाल, और बिरयानी खाते हैं उसके बाद बात करेंगे, वॉश हो रहा है आस पास, तो भैया बिरयानी अपनी आ चुकी है, आपको इसका शॉट देता हूँ और फिर खाते हैं, मुंह में पानी आ जाए तो अच्छी बात है, जो नहीं खाते गालियाँ मत देना प्लीज़। खाना हम खाए हैं और आज का दिन हमारा बारिश की वजह से हो गया आधा ख़राब, जो प्लानिंग करी थी ज़्यादातर प्लानिंग ख़राब हो गई है, तो ऑल ओवर कहानी ये है कि रात के हो गए 11:30, सोने का टाइम हो गया, आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो लाइक मार देना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना दोस्तों, और इससे पहले वाला ब्लॉग आपने दरगाह वाला नहीं देखा जहाँ पे बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी, वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो वो भी चेक करिए, उससे पहले पहलगाम के ब्लॉग भी चेक करिए, कश्मीर के अपडेट्स जो भी हैं हम उसमें दे भी दें साथ में, और कोई कमेंट में कोई बात मैं अगर भूल जाता हूँ या कोई बात ऐसी है जो पूछने वाली है पूछ सकते हो मुझसे डेफिनेटली, तो अभी के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि लाइक कर दिया होगा, नहीं करा तो भैया फटाफट कर दो और शेयर कर देना यार आपकी मर्जी है, तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में गुलमर्ग में, अभी के लिए बाय बाय गाइस बाय।